आधुनिकता के इस दौर में अब समाज का हर वर्ग मटके के बजाय फ्रिज का पानी पीना पसंद कर रहा है। जैसे जैसे जमाने का परिवेश बदलता जा रहा है, मिट्टी के बर्तन की कहानी खत्म होती जा रही है। पुश्तों से यही काम करने वाले कुम्हार आज उदास और मायूस हैं, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन बेचकर ही अपनी जीविका चलाते हैं। आज के दौर में घर घर फ्रिज होने के कारण लोग मिट्टी के बने मटके नहीं खरीद रहे हैं, जिससे कुम्हारों की आमदनी पहले से काफ़ी कम हो गई है। कुम्हारों की आमदनी तो कम हो ही गई है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मिट्टी के बर्तन बेचकर कुम्हारों को अपना रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। ये बचपन से हाँ, मतलब अब जाने सुने के लायक से अब ये काम चालू है। क्या करस करवा है और करसी है, बोरहा है और काला सामान है, हड़िया और क्या कहते हैं तिलाई कुड़ेरा दोपना पराई। हाँ, कितना आमदनी ए बस खाना खा थन बेच भांज के उतके चे ना घर बनाए सका थन ना एला मैं बचपना के आदत है, बचपना से करत आवा था मोर धंधा ला और आज तक भी करत हाँ। और अच्छे में मोर चार छः ठन लोग लेकर ला दिन चलावत लेगा था आओ मोर करा न तो खाए पिए के संबंध में ऐसे नहीं मिला थे। बाकी अभी सरकार है दे से ना तीला अभी खाद दिया थन और जो हमार रोजगारी के दो पैसा मिला थे तेकर से नून रोटी हमार चला जा थे। शासन द्वारा कुम्हारों के लिए जमीन देने की योजना बनाई गई थी, मगर वह भी धरातल पर नहीं उतर सकी। अब आलम यह है कि कुम्हार अपना परंपरागत व्यवसाय त्याग रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब मिट्टी के बर्तन सुनी सुनाई बात बन जाएगी। शासन को इस ओर ध्यान देकर कुम्हारों के लिए कल्याणकारी योजना प्रारंभ करने की जरूरत है, ताकि एक ऐतिहासिक व्यवसाय और इस पर आधारित लोग विलुप्त ना हो जाए। सिटी न्यूज़ के लिए जांजगीर चांपा से परदेसी खूंटे के साथ प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।